सब्सक्राइब कीजिए अफनटेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अफन और आप देख रहे हैं अफनटेक चैनल। आज मैं आपके लिए लाया हूं अमेजिंग सा टेक न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अपडेट निकल के आता है ओला की तरफ से। ओला ऐप जो है अब कम साइज़ पर जो है रिलीज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर जो है पहले बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे थे बुकिंग पर, और साथ साथ यहाँ पर जो है आपको फ्लो स्लोनेस जो है फील हो रहा था, तो वो इशू जो है अब रिजॉल्व कर दिया गया है और वो भी लॉन्च किया है बहुत ही कम साइज़ पर। और अब बताया जा रहा है कि 3 सेकेंड्स पर जो है ऐप ओपन होता है और बुकिंग अमेजिंग सी होती है। तो दूसरा अपडेट निकल के आता है नोकिया 9 की तरफ से। नोकिया 9 में अब जो है क्या है, किस तरह है, तो मैं जो है आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि ये जो है जनवरी 19, 2018 को जो है लॉन्च किया जाएगा। तो तीसरा अपडेट निकल के आता है सैमसंग गियर की तरफ से। सैमसंग गियर का एक बहुत बड़ा इशू था कि उसमें जो है बैटरी ड्रेन बहुत जल्द हो रहा था, लेकिन अब जो है वो इशू जो है रिजॉल्व कर दिया गया है। और कनाडा पर जो है एक अपडेट निकल के आया है 21 MB का, और उसे अपडेट होने के बाद वो इशू जो है रिजॉल्व हो चुका है। और बताया जा रहा है कि सैमसंग गियर में अब इस तरह का इश्यूज नहीं होगा, और जैसे कंफर्म हुआ है कनाडा पर उसी तरह से सब कुछ है यहाँ पर भी, इंडिया या बहुत US कंट्री में सब जगह भी जो है रिजॉल्व हो जाएगा बहुत ही जल्द। तो चौथा अपडेट निकल के आता है मारुति सुजुकी की तरफ से। मारुति सुजुकी जो है अब ऑफिशियली वर्क कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर, और डेडलाइन दिया गया है 2020 तक जो है बहुत अच्छी अच्छी गाड़ी जो है निकालने वाले हैं। और देखना पड़ेगा कब और कैसे किस तरह जो है ये लॉन्च करेंगे, मतलब क्या डिज़ाइन होगा, कैसे मतलब इसका परफॉर्मेंस होगा, सब हैशटैग और ऐसे कह सकते हैं, बस कुछ कुछ और नहीं कह सकते। ठीक है, आज तक बस इतना, दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले देखते रहो अफनटेक चैनल और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। टिल देन डू व्हाटएवर यू लाइक टू डू, बट डोंट प्ले ग्लोबल गेम्स, कीप वॉकिंग।